समय इस दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। ये क्या है एग्जैक्टली किसी को नहीं पता। हम इसे फील कर सकते हैं बट हमें पता नहीं एग्जैक्टली क्या है। लेट्स सी अगर आपको पता है। इमेजिन आप अपनी आंखें बंद करते हो, एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे दिन न रात होता है, बेसिकली नो लाइट एग्जिस्ट और मूवमेंट भी बहुत ही कम है, तो वहां पे आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि समय क्या होता है। तो सबसे आसान आंसर इसका ये है कि इट्स अ कॉन्सेप्ट दैट रेफर्स टू ऑनगोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट। जो कि समझ में नहीं आता है तो लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई इट, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो फिजिक्स में टाइम को एज अ फोर्थ डायमेंशन माना जाता है। वी लिव इन अ वर्ल्ड जहां तीन डायमेंशन है। तो सबसे पहले वन डायमेंशन समझते हैं। तो ये जो लाइन है ये एक एग्जाम्पल है वन डायमेंशनल वर्ल्ड का, और इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो एक वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है या एक डायमेंशन में मूव कर सकता है, फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू लेफ्ट टू राइट। अब इस दुनिया को एक टू डायमेंशनल दुनिया बनाते हैं। एंड नाउ अगर कोई ऑब्जेक्ट इस दो डायमेंशनल वर्ल्ड में होगा तो वो लेफ्ट राइट टू मूव कर ही सकता है, बट ऊपर नीचे भी मूव कर सकता है, जो कि एक एक्स्ट्रा डायमेंशन है वन डायमेंशनल वर्ल्ड से। एंड फाइनली आते हैं 3D पे। नाउ 3D वर्ल्ड का कोई डेमो नहीं देंगे हम, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 3D वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। तो लेट्स सी लाइव एग्जांपल। एक छोटा ऑब्जेक्ट आप अपने हाथ में रखो और अब आप उस ऑब्जेक्ट को लेफ्ट राइट मूव कर पाओगे, ऊपर नीचे भी मूव कर पाओगे, लेकिन एक और डायमेंशन है जिसमें आप मूव कर सकते हो, एंड यू हैव टू टेल मी कि वो कौन सा डायमेंशन है। हम एक छोटा हिंट दे देते हैं, वॉकिंग। बट साइंटिस्ट मानते हैं कि टाइम को एज अ फोर्थ डायमेंशन माना जा सकता है। अभी भी कुछ खास समझ में आ नहीं रहा है तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको अपने दोस्त से मिले तो आप उसे अपने कोऑर्डिनेशन दोगे जो कि एक्स वाई जेड से बना हुआ है, बट उसे मिलने के लिए आपको टाइम भी बताना पड़ेगा, जिसके कारण इसे फोर्थ डायमेंशन माना जा सकता है। बिना टाइम के आप उससे मिल नहीं पाओगे। दैट्स द सिंपलेस्ट आंसर एंड एक्सप्लेनेशन कि टाइम एक फोर्थ डायमेंशन है, लेकिन इट्स नॉट 100% करेक्ट। समय केवल सिर्फ एक फोर्थ डायमेंशन में है, इट्स फार मोर देन दैट, इट्स फार मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट। जैसे कि काउंटर आर्ग्यूमेंट इस थ्योरी का ये है कि टाइम एक मेजरमेंट भी है। इसका यूज हम लोग मेजर करने के लिए भी करते हैं, जैसे कि एक 2005 में जन्म लिया हुआ लड़का 2020 तक 15 साल का हो जाएगा, तो टाइम का यूज मेजरमेंट के लिए भी करते हैं। तो समय सिर्फ एक फोर्थ डायमेंशन नहीं है, और आप ये बता भी सकते हो क्योंकि कितना ये अलग बिहेव करता है इस 3 फिक्स्ड स्पेशल डायमेंशन से। जैसे कि इन तीनों डायमेंशन में आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप आगे जाके पीछे आके फिर आगे जा सकते हो, ऊपर जाके नीचे आके फिर ऊपर जा सकते हो, लेफ्ट जाके राइट जाके फिर लेफ्ट जा सकते हो, पर टाइम में आप ऐसा नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाती है, और हमारे यूनिवर्स में फॉरवर्ड डायरेक्शन, फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट टू फ्यूचर। ये एक वन वे एरो है। एरो के अलावा भी एक फैसिनेटिंग टेक है टाइम पे, जिसे कहते हैं साइकिल ऑफ क्रिएशन, जो कि हिंदुइज्म में एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे टाइम को एक एरो नहीं माना जाता है जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसे एक सर्कल की तरह माना जाता है जो कि इटर्नल है और हमेशा अपने आप को रिपीट करता है। इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट है हिंदुइज्म में, कर्मा, जो कि अपने आप में एक मजेदार टॉपिक है। बट अभी वापस अपने स्क्रिप्ट पे आ जाते हैं। टाइम का एक और फीचर है जो आप सभी को पता है कि समय किसी के लिए रुकता नहीं है। अगर आप स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट आप रख देते हो तो वो हमेशा के लिए वहां रह सकता है, लेकिन समय के साथ ऐसा नहीं है। आप कितना भी स्थिर रह लो आप बूढ़े होके मर जाओगे। और इस फिनोमिना को एज आई सेड एरो ऑफ टाइम बोला जाता है, जो कि क्लोजली रिलेटेड है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी जैसी चीजों से। तो समय इस 3 फिक्स्ड स्पेशल डायमेंशन से अलग है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। हम अपने वीडियो को हमेशा सिंपल रखने की कोशिश करते हैं, सिंपल लैंग्वेज को यूज करने की कोशिश करते हैं, इसी कारण एंट्रोपी जैसी चीजें हम छोड़ दिए हैं। इन कंक्लूजन, टाइम बहुत ही रहस्यमय एंड मल्टी फंक्शनल कॉन्सेप्ट है, जिसे बेशक हम ना समझे पर इसकी इम्पोर्टेंस हम एक्नॉलेज कर सकते हैं, चाहे वो मेजरमेंट हो, डायमेंशन हो। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, चाहे वो हिंदुइज्म का साइकिल ऑफ क्रिएशन हो या एरो ऑफ टाइम हो या एंट्रोपी हो। तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में, जहाँ पे हम एंट्रोपी जैसी चीजों की बात करेंगे।